हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल गांव की हाउसवाइफ में। फ्रेंड्स, आज मैं रीयूज़ करने वाली हूँ साड़ियों में से निकले इस तरीके के ट्रांसपेरेंट बैग का। ये उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, जल्दी ख़राब हो जाता है, लेकिन इसकी जो प्लास्टिक होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए हम इसी का यूज़ करेंगे। तो देखिए, साइडों से जो बॉर्डर लगा हुआ है उसे हम कट करके निकाल देंगे, तो इस तरीके से हमारा एक ट्रांसपेरेंट सिट मिल जाएगा। अब इस देखिए, यहाँ पर हम 9 इंच पर मार्क कर रहे हैं, और मार्क करने के बाद हम कट कर लेंगे, क्योंकि जो स्टिकर वाला पार्ट है ना वो हमें नहीं लेना है। तो इस तरीके से हम इसे साइड से निकाल लेंगे स्टिकर को। अब देखिए, ये यहाँ पे डबल है, तो इसे हम कट करके यहाँ पे 2 पीस रेडी कर लेंगे। और जो ये साइड से बचा है इसे भी हम इसी के साइज का कट कर लेंगे, तो हमारा 3 पीस यहाँ पर रेडी हो जाएगा 9 इंच का। तो देखिए, इस तरीके से 3 पीस मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब हम एक कपड़ा लेंगे जिसकी यहाँ पे देखिए चौड़ाई है 10 इंच और लंबाई है 16 इंचेज। अब हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद देखिए, इसी के साइज का हम एक राइस बैग लेंगे और इसके अंदर रखकर इस तरीके से हम इसे सेट करके इसे क्विल्ट कर लेंगे। तो देखिए, क्विल्ट हो चुका है। अब जो ये तीनों सीट मैंने तैयार किया है, इसे हम देखिए इस तरीके से स्ट्रिप लेंगे और साइड से ऐसे डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। यही प्रोसेस हमें दोनों साइड करना है। तो इसी तरीके से हम तीनों पीस रेडी कर लेंगे स्ट्रिप लगाकर। तो देखिए, यहाँ पे तीनों पीस रेडी हो चुका है। इसे हम देखिए इसके ऊपर इस तरीके से सेट करेंगे और स्टिच कर लेंगे। फिर हम 1 फिंगर जितनी जगह छोड़कर इसे भी स्टिच कर लेंगे। सेम उसी तरीके से देखिए, 1 फिंगर जितनी जगह छोड़ेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, हमारा यहाँ पे स्टिच हो चुका है। अब हम यहाँ पे हैंगर बनाने के लिए छोटी सी डोरी लेंगे और इसे हम देखिए बैक साइड में इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। अब हमें एक स्ट्रिप लेनी है लंबी सी, और देखिए बैक साइड से इस तरीके से स्टिच करके और सीधी साइड पर डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। यही प्रोसेस चारों साइड में करना है। तो देखिए, एक हमारा प्यारा सा ऑर्गेनाइजर रेडी हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आप इसमें कोई भी चीज़ अपने मेकअप के सामान या फिर कुछ भी इसमें रख कर हैंग कर सकते हैं, तो आपको इजीली मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे मेरी बिंदिया रख के दिखा रही हूँ, जो मैं डेली यूज़ करती हूँ, तो मैं बिंदिया रख के इसे कहीं भी हैंग कर दूँगी तो मुझे ईजिली टाइम पर मिल जाएंगी। और कौन सी मुझे बिंदी लगानी है ये भी दिख रहा है। तो एक प्यारा सा ऑर्गेनाइजर हमारा रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब जो नेक्स्ट आइडिया है उसके लिए जो बचा हुआ पार्ट था उसमें से मैंने देखिए इस तरीके से कट करके निकाल लिया है। अब हम इसे डबल फोल्ड करेंगे और उसके बाद 9 इंच पर मार्क करके इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद देखिए, ये डबल है, तो इसे हम कट करके 2 पीस यहाँ पे रेडी कर लेंगे। अब इसके बाद हम देखिए स्ट्रिप लेंगे और इसे भी हम डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे एक साइड। यही हमें दूसरी पीस पर भी करना है। तो देखिए, ये रेडी हो चुका है। अब हम एक कपड़ा लेंगे और बीच में इसके देखिए मैंने फोम रखा है। इसकी जो चौड़ाई है वो है 16 इंचेज और जो लंबाई है वो है 11 इंचेज। इसके बीच में फोम रखकर हम इसे क्विल्ट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे क्विल्ट हो चुका है। अब जो दोनों पीस मैंने रेडी किया था दोनों साइड रख कर इसे हमें स्टिच कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर स्टिच हो चुका है। अब हम एक छोटा सा लेस का टुकड़ा यहाँ पर ले रहे हैं और इसे साइड में देखिए बैक साइड में अटैच कर लेंगे। तो देखिए, ये अटैच हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए स्ट्रिप लेंगे और बैक साइड से हमें स्टिच करके और सीधी साइड पर पलट के डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेना है चारों साइड। तो देखिए, स्ट्रिप अटैच हो चुकी है यहाँ पे। अब हम इसे देखिए फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और जहाँ पे हमने लेस इस तरीके से अटैच किया था वहाँ पे हम इस तरीके से बटन रखकर अटैच कर लेंगे। तो देखिए, इसका यूज़ आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर इसका यूज़ आप अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट वगैरह रखने के लिए कर सकते हैं, पासबुक रखने के लिए, या फिर कोई ज़रूरी कागज़ है आप इसमें रख सकते हैं, तो आपको ये इजीली टाइम पर मिल जाएंगे। अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें गुम हो जाती हैं तो हमें बहुत परेशानी होती है। तो इस तरीके से आप रखेंगे तो आपको टाइम पे मिल जाएंगी और इसमें दिखेगा भी कि आपने क्या रखा है। तो आई होप कि आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा। तो इस तरीके से आप भी एक प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं, वो भी वेस्ट चीज़ से। तो फ्रेंड्स, ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताना। इस तरीके से देखिए, आप खोल कर ईजिली अपनी चीज़ों को ले सकते हैं। अब जो नेक्स्ट आइडिया है उसके लिए देखिए, जो बचा हुआ था यहाँ पर ट्रांसपेरेंट सीट, मैंने उसे 4 फोल्ड किया है। उसके बाद हम इसे देखिए इस तरीके से कट कर लेंगे और इसमें से हम एक टुकड़ा यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, बाकी 3 टुकड़ों का भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए, इसे हम इसी के साइज़ का जिप लेंगे और इस तरीके से उल्टी साइड पर अटैच करके फिर सीधी साइड पर हम प्रेस्टिच कर लेंगे।
तो देखिए जिप यहाँ पे अटैच हो चुकी है। अब इसी के साइज़ का हम एक फैब्रिक लेंगे और इसके ऊपर रखकर हम इस तरीके से चारों साइड से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए ये रेडी हो चुका है। अब हम स्ट्रिप लेंगे यहाँ पे और स्ट्रिप को हम चारों साइड से इस तरीके से देखिए फोल्ड करके और अटैच कर देंगे। देखिए हमारा प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र एक रेडी हो चुका है। इसका यूज़ आप अपनी ज्वेलरी, कटलरी या फिर कोई भी चीज़ रखने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बच्चों का मास्क रख के दिखा रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इसे किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे ये तीनों आइडियाज़ आप लोगों को कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और मैंने ये सारी चीज़ें बनाई हैं वो भी वेस्ट ट्रांसपेरेंट शीट से, तो आप लोग ज़रूर बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।